हातिम एक ऐसा शो था जिसके पहले एपिसोड से ही शो ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इतनी सक्सेस के बाद भी ये शो सिर्फ एक साल ही क्यों चला। 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुआ ये शो हातिम पहले एपिसोड से ही TVR रैंकिंग पे 5.3 था और एक हफ्ते बाद 23 पोजीशन इन ऑल इंडिया रैंकिंग्स बना ली थी। इसकी स्टोरी एक यमन के अरेबियन प्रिंस हातिम पर बेस्ड थी। अगर आपको इसकी स्टोरी याद है तो दज्जाल जो कि एक विलन है वो एक लड़के को पत्थर बना देता है। उसकी जान बचाने के लिए हातिम एक एडवेंचर सफर पर निकलता है। इसके साथ साथ उसे दुनिया को भी बचाना होता है। हातिम को 7 महीने में 7 सवालों के जवाब देने होते हैं। 47th एपिसोड में आखिरी सवाल का जवाब देकर सबको बचा लेता है और दज्जाल की भी मौत हो जाती है। यही शो का आखिरी एपिसोड होता है और शो खत्म हो जाता है। इसके बाद आज तक इसका सीजन 2 नहीं बना है। राइटर्स और डायरेक्टर्स इतनी सक्सेस के बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें रिस्क लेकर 1-2 साल के बाद नए सीजन के साथ आना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना।